नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विया स्टॉक्स में दिल से। तो यार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा 10 पैनी स्टॉक्स के बारे में। और कुछ पैनी स्टॉक्स अभी 1 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और जैसा आप सभी को पता है, कल 4 नवंबर 2021 को मुहूर्त ट्रेडिंग थी और मात्र 1 घंटे के अंदर इन 10 पैनी स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 100% की डिलीवरी हमें देखने को मिली है। लोग घर लेके गए। तो आपको जैसे पता है कि मुहूर्त ट्रेडिंग का दिन इन्वेस्टिंग का दिन होता है, तो मुझे लगा चलिए एक छोटा सा वीडियो अपडेट कर देता हूं कि किन 10 स्टॉक्स में, 10 शेयर्स में जो पैनी स्टॉक्स है उनके ऊपर काफी अच्छा माल कल इन्वेस्ट किया गया, मतलब पैसा इन्वेस्ट किया गया। तो डेफिनेटली आप चाहो तो इन स्टॉक्स को अपने रडार, अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो, दिवाली से लेके दिवाली तक के शेयर। ठीक है, तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक बार दोबारा से दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और साथ में हो सके तो वीडियोस को अंत तक देखना, और हो सके तो छोटा मोटा अपनी खुद की रिसर्च डेफिनेटली एड ऑन करना। और साथ में टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले स्टॉक से। तो यार दोस्तों, आप देख सकते हो जो हमारा पहला स्टॉक निकल के आता है, जिसमें कल 8% की तेजी देखने को मिलती है। स्टॉक का नाम IVC है, NSE में इसको बोला जाता है IVC इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लिमिटेड, मतलब एक इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का स्टॉक है। 6 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और मैक्स चार्ट आप देख सकते हो हरे में क्लोज कर रहा है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या है, अगर आप इसका ऑल चार्ट टाइम पैटर्न देखोगे तो हमें स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न है वो हरे में दिखेगा। और एक बात को ध्यान रख लेना, पैनी स्टॉक का मतलब होता है जो स्टॉक्स के फंडामेंटल इतने साउंड नहीं होते हैं। तो इसमें वही पैसा लगाना जितना आप रिस्क ले सकती हो। ठीक है, और जैसे आपको पता है बहुत सारे लोग बहुत तरीके से इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। वो लार्ज कैप में डालते हैं, वो निफ्टी 20 को बाय करते हैं, वो गोल्ड 20 को बाय करते हैं, कुछ लोग पैनी स्टॉक को बाय करते हैं, कुछ लोग लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक को बाय करते हैं। तो अलग अलग तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। अब आपको क्या तरीका सूट करता है आप अपने आप से पूछिए, आपको टाइम देना पड़ेगा। मेरे लिए पर्सनली पैनी स्टॉक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सभी काम करते हैं। ठीक है, खासकर पैनी स्टॉक सबसे अच्छे काम करते हैं। ठीक है भाई, तो आप प्लीज एक बार खुद किया एक टाइम दीजिए, सोचिए, विचार कीजिए कि आपके लिए क्या काम करता है। टाइम लग सकता है, ठीक है, किसी को 3 महीने पता चलेगा कि मेरे लिए ये काम करता है, क्योंकि आपको अपना जो आपने स्टॉक्स बाय किए उसको एक बार बैक टेस्ट करके देखना पड़ेगा, मतलब उसका पूरा जर्नल लिखना पड़ेगा कि मैंने स्टॉक को यहाँ बाय किया, मुझे किस में ज्यादा प्रॉफिट बनता है। तो ये सब चीजें आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस स्टॉक में कल 4 नवंबर वाले दिन कितना बड़ा माल लोग घर लेके गए। आप देख सकते हो, यहाँ आपको दिख जाएगा निफ्टी 50। ठीक है, कल 4 नवंबर की डेट पे आपको दिख जाएगी यहाँ पर स्टॉक का नाम ये रहा IVC, ऑलमोस्ट 140, ठीक है, 140 लाख के आसपास का यहाँ पर माल, नहीं सॉरी माफी, हाँ 140 लाख के आसपास का माल यहाँ पर काम किया गया है, मतलब 1 करोड़ के आसपास का। और डिलीवरी जो हमें देखने को मिलती है 100% की डिलीवरी कल उठाई गई है, और जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 6 रुपये 15 पैसे। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे दूसरे पैनी स्टॉक की तरफ जिसमें कल सबसे ज्यादा माल उठाया गया, जिसका नाम है, तो दोस्तों ये संभव मीडिया लिमिटेड है, NSE का पैनी स्टॉक है, 3 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों ये चार्ट भी आप देख सकते हो, मैक्स चार्ट मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, इस स्टॉक में भी कल मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन ऑलमोस्ट 100% की डिलीवरी उठाई गई है, लोगों ने स्टॉक में जम के बाय किया है। आप देख सकते हो यहाँ पर ऑलमोस्ट ये 20 जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो 20 के आसपास था। ठीक है, अगर बात करते हैं डिलीवरी क्वांटिटी, तो 100% की डिलीवरी हमें देखने को मिल जाती है। दोस्तों आप देख सकते हो जो संभव मीडिया है इसमें जो वॉल्यूम है थोड़ा लेस है, आप देख सकते हो 20,000 क्वांटिटी कल ट्रेड की गई थी, और 20,000 में से ऑलमोस्ट 100% की डिलीवरी हमें देखने को मिलती है संभव मीडिया में। अब बढ़ते हैं हमारे कुछ अदर्स पैनी स्टॉक में जिसमें कल अच्छी खासी डिलीवरी उठाई गई है, जैसे कि, तो दोस्तों ये 9 रुपए का पैनी स्टॉक है, सोमा टेक्सटाइल करके है। ठीक है, टेक्सटाइल पैनी स्टॉक इसको बोला जा सकता है। स्टॉक में भी काफी अच्छी डिलीवरी कल उठाई गई है, और आप मैक्स चार्ट भी स्टॉक का देख सकते हो, मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है। मैक्स चार्ट स्टॉक ने सपोर्ट लिया है 2 रुपए के आसपास और लगातार ऊपर जा रहा है। स्टॉक का जो नेक्स्ट रजिस्टर निकल के आता है वो आपका निकल के आता है आपका ये रात, देख सकते हो 9 रुपए 80 पैसे के आसपास। तो डेफिनेटली इस स्टॉक को भी आप नजरों में रख सकती हो। ये स्टॉक में दोस्तों आप देख सकते हो NSE में ऑलमोस्ट कितना करोड़ क्वांटिटी ट्रेड की थी, करोड़ों की क्वांटिटी ट्रेड नहीं की गई थी, इसमें मात्र 22,000 क्वांटिटी ट्रेड की गई थी, और 22,000 में से 100% की डिलीवरी यहाँ पर लोग उठा के लेके गए। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे
अगले पैनी स्टॉक की तरफ जो निकल के आता है। तो यार दोस्तों जो चौथा पैनी स्टॉक निकल के आता है जिसमें कल मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन काफी अच्छी क्वांटिटी लोग घर लेके गए, उसका नाम GTL इंफ्रा शेयर है। मात्र 1.60 रुपए का स्टॉक है और इस स्टॉक के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रखी है, तो डेफिनेटली उसको आप एक बार चेकआउट पक्का कर लेना, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो यहाँ NSE में स्टॉक में ऑलमोस्ट 8,46,000 क्वांटिटी ट्रेड की गई थी और सभी की सभी क्वांटिटी लोग घर लेके गए, ऑलमोस्ट 100% की डिलीवरी हमें देखने को मिल जाती है। अब बढ़ते हैं हमारे पांचवें पैनी स्टॉक की तरफ जिसमें ऑलमोस्ट 100% की डिलीवरी हमें देखने को मिल जाती है। इसका नाम है स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ठीक है। एक कंस्ट्रक्शन फील्ड का स्टॉक है। अगर आप मैक्स चार्ट स्टॉक का देखते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक एक फ्लैट चार्ट पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, मतलब स्टॉक काफी ऊपर के लेवल से गिरा है और लगातार एक साल से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। और स्टॉक को आप इस रेंज में देख सकते हो, मतलब एक्युमुलेट करके चल सकते हो। क्योंकि देखो दोस्तों आपको एक बात कहता हूँ हमेशा कि कभी भी स्टॉक में अगर पैसा आपको इन्वेस्ट करना है तो जब स्टॉक का प्राइस ऊपर भाग रहा हो तो स्टॉक को बाय नहीं किया जाता, स्टॉक को आप सेल करा करो। ये मेरी थिंकिंग है, मेरा लॉजिक है। मैं स्टॉक को तब बाय करता हूँ जब स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा हो, डब्बे में ट्रेड कर रहा हो, क्योंकि यही मौका होता है इन्वेस्टमेंट का, यही होता है रियल प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। और जब भी ये बॉक्स से बाहर निकलता है आप स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करा करो। और आप देख सकते हो अगर 1 ईयर का चार्ट पैटर्न आप देखोगे तो यह स्टॉक अभी एक रेंज पे ट्रेड कर रहा है और इस रेंज में आपको डेफिनेटली स्टॉक को नजरों में रखना चाहिए, 5 रुपए से लेके 3 रुपए के रेंज में। और जैसे ये रेंज ब्रेकआउट होगा 5 रुपए के ऊपर, इट इज गोइंग टू मेक अ लॉट मनी टू यू, ठीक है। तो आपको काफी अच्छा पैसा बना के दे सकता है, राइट। और अगर बात करता हूँ स्टॉक पे कितने का माल लोग घर लेके गए, एक बार चेकआउट कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो ये भी एक NSE का पैनी स्टॉक है, मतलब जो भी स्टॉक अभी आपको बताया मोस्टली NSE में काम कर रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा बात है कि भैया जो NSE के स्टॉक पे भी काफी अच्छा माल लोग घर लेके गए, कल 16,000 क्वांटिटी ट्रेड की गई थी, 16,000 क्वांटिटी लोग घर लेके गए, 100% की डिलीवरी हमें देखने को मिल जाती है इस पैनी स्टॉक में भी। बढ़ते हैं हमारे कुछ अदर्स पैनी स्टॉक, जैसे छठा पैनी स्टॉक जो निकल के आता है मैं आपको दिखा दूं, उसका नाम लेआउट स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड है, ठीक है। और आपको याद होगा स्टॉक के बारे में तो मैंने आपको बहुत बार अपडेट दिया है कि स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कर लो, स्टॉक में कहाँ एंट्री करनी है, सेपरेट वीडियो मैं स्टॉक के ऊपर बना चुका हूँ, तो वो डेफिनेटली चेकआउट कर लेना, ठीक है। आप मान लेना लेआउट स्टील करके विवेक राणा करके मान लेना, आपको वीडियो मिल जाएगा। ये स्टॉक भी देखो दोस्तों काफी अच्छा माल कल उठाया गया है, लेकिन स्टॉक का जो RSI इंडिकेटर है वो भैया फट चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ट्रैप भी हो सकता है जब तक ये अपना लास्ट स्विंग ना तोड़ दे। ये आपको लास्ट स्विंग दिख रहा है मंथली बेसिस में, ये देख सकते हैं। ये स्टॉक में बाय करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, लेकिन हाँ आप स्टॉक को डिप बाय करके चल सकते हो अगर आपको मौका मिलता है। डिप बाय कहाँ होगा, 3-4 रुपए के रेंज में होगा, उससे पहले मुझे नहीं लगता कि स्टॉक में डिप बाय आपको करके चलना चाहिए। बाकी अगर NSE की बात करता हूँ कि कैसा माल यहाँ पर उठाया गया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि NSE में कैसा काम का स्टॉक में चल रहा है। आप देख सकते हैं मैंने NSE खोल दिया है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखिए एरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, करोड़ क्वांटिटी तो नहीं होगी ट्रेड्स में, लेकिन हाँ लैक्स में क्वांटिटी ट्रेड हो जाती है। 2,36,000 क्वांटिटी लोग में ट्रेड की गई थी और सभी की सभी क्वांटिटी लोग घर लेके गए, जो काफी अच्छी बात है, ठीक है। और एक और पैनी स्टॉक है जो हमारा आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ, जो छठा पैनी स्टॉक है जिसका नाम है सिंटेक्स प्लास्टिक। और इसमें तो दोस्तों ये रूमर्स निकल के आती है द रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है, द मुकेश अंबानी ये स्टॉक में पैसा डाल सकते हैं, मतलब इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। डूबी हुई कंपनी है और तब से स्टॉक का प्राइस लगातार पंप हो रहा है। मैक्स चार्ट आप देख सकते हो, आपको दिखेगा गड्ढे में जा रहा है। अब क्वेश्चन आता है सर पैनी स्टॉक हमें तो कभी बाय नहीं हो पाते, दोस्तों देखो पैनी स्टॉक का मैं आपको एक लॉजिक बता दूं, जब वो ऊपर जा रहे होते हैं तो स्टॉक तब बाय नहीं होते मोस्टली केस में, बहुत लोगों की किस्मत अच्छी होती है कि बाय हो जाते हैं, लेकिन बहुत बार वो बाय नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी स्टॉक आपको दिए जाते हैं ना उसको आप अपने वॉच लिस्ट में रखो। वॉच में रखने के बाद कुछ पॉइंट्स होते सपोर्ट के, उस सपोर्ट के आसपास स्टॉक को आप धीरे धीरे करके एकोमोडेट करो। मानो अगर आपने स्टॉक को 100 क्वांटिटी अभी अप्रेज करी, ठीक है, मान के चलो मैं उसे बाय नहीं करने की सलाह दे रहा हूँ, ठीक है, 7 रुपए में करी, उसके बाद आपने 100 क्वांटिटी 6 में करी, उसके बाद 100 क्वांटिटी आपने 5 में करी, उसके बाद 100 क्वांटिटी आपने 4 में करी, उसके बाद 100 क्वांटिटी आपने 3 में करी, ये स्टॉक कितना नीचे गिर जाएगा खुद अपने दिमाग से सोचना, कोई स्टॉक कितना नीचे गिर जाएगा, ये 3 के बाद आराम से 5 रुपए द्वारा जाएगा। तो आपकी कॉस्ट आप निकाल लीजिए, आपकी कॉस्ट काफी सस्ती बैठेगी और आप प्रॉफिट में होंगे। तो ये लॉजिक आपको अप्लाई करना है इन्वेस्टिंग में, यार आप पोजिशनल या स्विंग भी करते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें अगर बात करता हूँ तो इसमें भी अच्छी खासी क्वांटिटी ट्रेड की गई होगी, जो सभी की सभी क्वांटिटी लोग घर लेके गए होंगे। मैं आपको एक बार फिर भी दिखा देता हूँ आपके कसरली के लिए, देख सकते हैं यहाँ पर 100% की डिलीवरी कल उठाई गई है आपके इस सिंटेक्स प्लास्टिक स्टॉक में, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे 7वें पैनी स्टॉक की तरफ, जो मात्र 1.90 रुपए का स्टॉक है, सुंदरम मल्टी पेपर लिमिटेड, एक पेपर मिल कंपनी है
काफी पुराना स्टॉक है, मैक्स चार्ट आप देख सकते हो लगातार एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, और इसी रेंज में स्टॉक को आप नजरों में रख सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, इसमें भी काफी अच्छी डिलीवरी उठाई गई है, मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें भी 100% की डिलीवरी के आसपास लोगों ने इन्वेस्टमेंट कल करना पसंद किया है, मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो 72,000 क्वांटिटी ट्रेड की गई थी और 72,000 में से 99% की डिलीवरी उठाई गई है, तो इसमें 100% की नहीं है, 99% की डिलीवरी उठाई गई है। अब बढ़ते हैं हमारे अदर स्पेनिश स्टॉक की तरफ, जैसे कि एलसीसी इन्फोटेक शेयर प्राइस। आपको याद होगा स्टॉक मैंने आई थिंक आपको कब रिकमेंड किया था, मुझे खुद याद नहीं आ रहा है, लेकिन शाम को मैं टेलीग्राम डिस्कवर वीडियो बना के आपको अपडेट करूंगा कि इसका नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है। ठीक है, ये तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन शाम को इसका एक सेपरेट एनालिसिस वीडियो आएगा 6-7 मिनट का, उसमें हम चर्चा करेंगे स्टॉक के बारे में, डीप एनालिसिस करेंगे कि आप क्या कर सकते हैं। एंड दोस्तों ये स्टॉक में भी आपकी ऑलमोस्ट 100% की डिलीवरी उठाई गई है मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन, तो इस स्टॉक को भी आप नजरों में रख सकते हो अगर आप चाहो तो। आप देख सकते हो यहाँ पर 4 नवंबर को 18,529 क्वांटिटी ट्रेड की गई थी और ऑलमोस्ट सभी की सभी क्वांटिटी 99% की डिलीवरी हमें देखने को मिल जाती है इस पैनी स्टॉक पे। एंड दोस्तों हमारा फाइनल स्टॉक है, ठीक है, 12 रुपए का स्टॉक है, इंडिया सुप लिमिटेड, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। एंड दोस्तों लुक एट द प्राइस एंड चार्ट, आपको अभी ये ग्रीन में क्लोज होते हुए दिखेगा। एंड दोस्तों यही रियल वर्थ बनते हैं, रियल मल्टीबैगर बनते हैं फ्यूचर में, जो स्टॉक लास्ट 10-15-20 सालों में एक आपको कम से कम आईपीओ प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहे हो, तो भाई उनमें हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इतना मुझे लगता है। और इस स्टॉक में दोस्तों देखिए लगातार अपॉर्चुनिटी आपको नजर आ रही है, एक साल के अंदर स्टॉक ने एकदम शानदार रिटर्न दी है, शानदार, इसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, तो इस स्टॉक को भी आप नजरों में रख सकते हो, इस स्टॉक में भी ऑलमोस्ट 99% के आसपास की डिलीवरी उठाई गई है। आप देख सकते हो इन सुप लिमिटेड, यहां अगर आप क्लिक करोगे 4 नवंबर, तो यहां पर आपको देखिएगा 99% की डिलीवरी यहां पर हमें देखने को मिल जाती है एंड स्विफ्ट लिमिटेड शेयर में। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ पैनी स्टॉक्स थे, कुछ स्टॉक 1 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे थे, कुछ स्टॉक 10 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे थे, कुछ स्टॉक 5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे थे। उन सभी स्टॉक्स में मुहूर्त वाले दिन, ठीक है, 100% की डिलीवरी और 99% की डिलीवरी हमें देखने को मिल जाती है, राइट। तो इस वीडियो को मैं यही समाप्त करना चाहूंगा और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है, एक जनरल व्यू शेयर किया है मैंने कि इन स्टॉक में सबसे ज्यादा डिलीवरी उठाई गई है, तो चाहो तो आप इन स्टॉक को नजरों में रख सकते हो, अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो, और नीचे कमेंट करके बताना कि आपके पास कौन सा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में अभी है और किस स्टॉक को आप बाय करने की सोच रहे हो, नीचे कमेंट पक्का करना। बाकी मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक्स अगर आपको चाहिए नीचे कमेंट कर देना, उसके ऊपर वीडियो बन जाएगा। तो इस वीडियो को समाप्त करता हूं, बाकी मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।